फ्रेंड्स, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने घर में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब ख़राब हो जाती हैं, एज इट इज़ पड़ी रहती हैं हमारे घर पर। तो मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं दिखाने के लिए बताता हूँ। जैसे अभी मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, तो मेरे पास में ये सोनी का एम्पलीफायर है, ये बेकार हुआ पड़ा है। मतलब ऑल्दो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये अभी मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। उसी तरीके से क्या है कि जैसे ये मेरा एक सीडी प्लेयर है, ये बहुत पुराना सीडी प्लेयर है, आप देख पाओगे। मतलब ये चाइनीज सीडी प्लेयर है, और इसके अंदर आप ये समझ लो कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट उस टाइम पे हुआ करते थे। ये मैंने 2001 या 2 के टाइम पे ख़रीदा था। उसके बाद में इसको बहुत यूज़ किया है। अब इस टाइम पर ये इस टाइम वर्किंग नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं चलता। इसका लेंस भी ख़राब हो चुका है। बाकी इसको मैं ऑन करूँगा तो डिस्प्ले आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी आज हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि चलो एक हम बूम बॉक्स बनाते हैं। बूम बॉक्स बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि यार ये वाला अगर मैं एम्पलीफायर यूज़ करता हूँ, ये सोनी का अच्छा एम्पलीफायर है। मैं ही नहीं चाह रहा था कि इस एम्पलीफायर को खोल के मैं उसमें यूटिलाइज़ करूँ, तो इसके कॉम्पोनेंट मुझे खोलने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको यूज़ करने की जगह उससे बेटर ये है कि मैं इस सी डी प्लेयर को यूज़ करता हूँ। और मैं आपको आज सिखाता हूँ कि इस सी डी प्लेयर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर एक एम्पलीफायर भी है। तो हम इसके अंदर एक फ्री में एम्पलीफायर हम निकाल सकते हैं। एक एम्पलीफायर फ्री में कैसे निकालना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसके अंदर से हम एम्पलीफायर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं। अभी जो भी व्यूअर्स हैं, ये मेरा नया वीडियो है, अगर इसमें कोई भूल चूक गई हो तो प्लीज़ जो भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, और कुछ भी सजेशन है आप मुझे बताइए। सब्सक्राइब, अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिसमेंटल करते हैं, खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमको ये 3-4 टूल्स चाहिए। जैसे मैंने एक ये वायर कटर लिया है, एक स्क्रू ड्राइवर लिया है, एक मैंने टेस्टर लिया है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पार्ट है ये, और एक मैंने सिंपल प्लायर लिया है। बस यही हमने 4 टूल्स हमको चाहिए, और हमें कोई ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको मैं डिसमेंटल करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बड़ा बेसिक सा सीडी प्लेयर है। इसके अंदर मैं आपको इसके कंपोनेंट्स थोड़ा सा बताता हूँ। ये इसका आपको पता ही है, ड्राइव यूनिट है, जिसके अंदर की हम डिस्क वगैरह डाला करते थे। डिस्क यहाँ से इसके अंदर लोड हो जाती है। इसमें अभी क्या है कि ये इसका ख़राब हो गया है, इसके अंदर इसका लेंस जो है ना वर्किंग नहीं है। तो इसका हम लोग क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फिर मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊँगा कि हम इसको कैसे ट्रे को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या कॉम्पोनेंट है। एक हमारे पास में ये ट्रांसफार्मर है, ये यूजेबल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर आप देख रहे हो एक छोटा सा, ये इसके अंदर जो है ये इसका टोन है, टोन कह दो या आप इसको इक्वलाइजर कह सकते हो। इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल पीछे दिया है, वॉल्यूम कंट्रोल, बेस, ट्रेबल, इसमें ये दिया है। तो हम अपन लोगों को ये प्लेट निकालना है, हमें ये प्लेट चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक MP3 और ये एक MP3 कार्ड है। इसके अंदर सारे सर्किटरी वगैरह बने हुए हैं। इसके ही थ्रू MP3 और जो वीडियो होता है उसको ये रीड करता था। कार्ड रीडर है ये, एक्चुअल में मेन सारा सर्किट इसके अंदर ही होता है। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इसके अंदर हमारे को एम्पलीफायर मिलेगा। फंक्शन हमारा सारा इसी से रहता है। यहाँ से हम लोग ऑडियो आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बाहर आ गया, मेन तो हमारा काम हो गया है, आप समझिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये फ्यूज हम निकाल लेते हैं, फ्यूज हमारे काम का। ठीक है व्यूअर्स, तो बाकी हम इसको ऐसे कुछ कट करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाकी सारी हमने जो चीज़ें निकाली हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सारा हमारा कंपोनेंट निकल के आ गया बाहर। तो अब हमको इसमें क्या करना है, ये हमारा इक्वलाइजर है, टोन कंट्रोल, ये हमारा माइक यूनिट है, ये हमारा सर्किट है एम्पलीफायर का, और ये हमारी सप्लाई है। इसकी थोड़ा बहुत वायरिंग मैंने कर लिया है, इसमें स्विच वगैरह लगा ही हुआ था ऑलरेडी, सिर्फ मैंने यहाँ से फ्यूज़ हटा के एक इंडिकेटर लगा दिया है, सो दैट कि हमें पता लगता है कि हाँ इसमें पावर है, ठीक है। तो अभी बस हमने करना क्या है, देखिए आपको ध्यान से देखना होगा, आप देख पा रहे होगे ये जो दो वायर्स आ रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको इस एम्पलीफायर में इसका हमें इनपुट ढूंढना है, क्योंकि हमको इसके अंदर प्री एम्प लगाना है। प्री एम्प क्या होता है, ये टोन कंट्रोल हमारा प्री एम्प है, ठीक है। तो व्यूअर्स हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर प्री एम्प लगाना है। तो इसमें से आप ये देख रहे हो, ये जो तीन वायर्स आप देख पा रहे हो, ये रेड, वाइट, और जो इसी वायर में से ये ब्लैक आ रही है, ये ब्लैक वाली कॉमन वायर है, रेड लेफ्ट की होगी और ये वाइट जो है ये राइट की होगी, इसी तरीके से है ये। और इसी तरीके से ये तीन वायर आप देख रहे हैं, ये भी इसके स्पीकर्स की वायर है, ठीक है। तो अभी हम ये क्या देख रहे हैं, ये जो वायर है ये इसके आउटपुट के साथ में कनेक्टेड है, ये वाली तीन वायर्स। तो यानी कि ये वाला सर्किट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये आउटपुट में जा रहा है, ठीक है। अभी हमारे को क्या चाहिए, हमारे को तो इनपुट देना है ना। तो ये वाले जो तीन वायर्स हैं ये हमारे काम की हैं, ये तीन वायर्स हैं, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यानी कि ये सॉकेट जिसके अंदर लग रहा है उस सॉकेट से अगर हम इनपुट देंगे, यानी टोन कंट्रोल में हम इनपुट देंगे, तो उस इनपुट के थ्रू हम एम्पलीफायर से आउटपुट निकाल पाएंगे। और आउटपुट कहाँ मिलेगा हमें, आउटपुट हमारे को इस जगह से मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें मैं दिखाता हूँ। तो ये वॉल्यूम कंट्रोल है, इस वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर हमको क्या करना है, ये वाला साइड जो है ये आप देख रहे हो, ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट के अंदर तो नॉर्मल तरीके से जैसे लीड लगा हुआ था वो वैसे ही लगेगा, लेकिन इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये वाला जो हमने सॉकेट दिया है ये वाला सॉकेट हमारे को रिमूव करके इसकी जगह पर हमको 3 जैक का, मैं दिखाता हूँ किस तरीके का हमको एक सॉकेट बनाना रहेगा। ये मैंने एक सॉकेट बनाया है, तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये बड़ा, मेरे पास में एक पुराना स्टेरियो रखा था, उसके थ्रू मैंने ये निकाला है। इसको आरसी केबल कहते हैं, आरसी का ये मेल सॉकेट है, ये मैंने लिया और इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको सोल्डर किया है। किस तरीके से किया है, ये जो सेंटर वाला है, ये जो आप सेंटर वाला वायर देख रहे हैं, ये सेंटर वाला वायर कॉमन का है, यानी कि यहाँ से जो आप देख पा रहे हो इसमें से ये जो ब्लैक वाला वायर है ये कॉमन का वायर, ये हमने बीच में लगाया है। ये रेड वाला वायर हमने इधर लगाया और वाइट वाला वायर हमने इस साइड लगाया। इसका रीज़न क्या है, एक को हमने लेफ़्ट बना दिया, एक को हमने राइट चैनल बना दिया है। अब इसकी वायरिंग हमने सिंपली ये जो कनेक्टर है इसको हमने टोन के अंदर फिट करना और ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको वापस इसकी हम फिटिंग करते हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से फिटिंग होगा। देखिए ये जो वायर है ये वायर इसकी साउंड कार्ड यहाँ से इस एम्पलीफायर में से होते हुए वीडियो कार्ड में जाती थी, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक रेगुलेटर दिया हुआ है, क्यों दिया है, ये इधर से पावर आउटपुट ले रहा है और आउटपुट लेके ये उधर सर्किटरी को ऑन करेगा, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, इसे हम निकाल देते हैं अभी। ठीक है, ये हम निकाल दे रहे हैं व्यूअर्स। तो अभी के लिए हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले इस जैक को हम फिट करते हैं। ऐसा करते हैं, हम पहले सप्लाई लगा लेते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे हमने पहले सर्किटरी आपने अगर आपने देखिए मेरे को तो याद हो गया है सर्किट, तो थोड़ा सा ध्यान से ही इस काम को करना है और सप्लाई नहीं लगानी है इसके बीच में, ठीक है। ये तीन वायर्स जैसे पहले लगे हुए थे वैसे ही मैंने लगाए हैं, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हमने वीडियो के माइक के सारे वायर्स रिमूव कर दिए हैं, ये वीडियो वाले आउटपुट के सारे वायर्स हमने रिमूव कर दिए, बाकी सारा वायरिंग सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा बताया था आपको, ये वाली साइड जो है ये इसका इनपुट वाला टर्मिनल है, तो हमने यहाँ से देख के आउटपुट वाला टर्मिनल देखिए, ये है आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल हमने आउटपुट वाले में ही लगा देना है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। और ये जैसा मैंने आरसी लीड पर लगाया है इसके साथ में हमने इसको इनपुट के साथ में अटैच कर देना है। तो अब क्या है, आपको इसके अंदर आप एक आरसी लीड लेंगे, जब हम आरसी लीड को ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से इनपुट हो जाएगा, यहाँ से टोन कंट्रोल करेंगे, ये वॉल्यूम कंट्रोल है हमारा, ये बेस है, ये ट्रेबल है, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे, इधर से हम लोग अपना इनपुट दे देंगे किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे मोबाइल हो गया हमारा या जो भी हमारा इनपुट का तरीका है, इधर से हम लोग इसको ऑडियो सिग्नल इनपुट देंगे, ठीक है। ये सर्किटरी हमारे लगभग तैयार हो चुका है, बस अब इसको ऑन करना ही रह गया है। अभी के लिए मैं माइक को नहीं जोड़ रहा हूँ, वैसे इसको जोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, इस माइक को सिर्फ हमको यहाँ पर अटैच करना है, और ये माइक भी तैयार है इसके अंदर। ये भी हमारा नॉर्मल तरीके से माइक जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसे ही काम करेगा, ये वॉल्यूम दिया है इसका, तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, एज इट इज़ सर्किट के अंदर लगा हुआ था, एज इट इज़ इसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अब अपना माइक 1 माइक 2 लगाएंगे, ये इसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, नॉर्मल तरीके से काम करेगा। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी के लिए हम फ्यूज़ भी नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सिर्फ सिंपल वायरिंग रख रहे हैं इसकी। हमने क्या करना है, मैंने देखो इसको सप्लाई दे दिया है, पावर आ रहा है यहाँ पर, इसको सप्लाई दे दिया है मैंने, इसमें एक इंडिकेटर लगा दिया सो दैट कि हम देख पाएँ एलईडी इसके अंदर ब्लिंक कर रही है इस टाइम, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको एक इनपुट दे दिया है, और इनपुट के थ्रू अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इसमें एक मैंने एक आरसी केबल लगा दिया है, लगा के हम अपने एक मोबाइल के अंदर कि इसके थ्रू मैं इसको एक ऑडियो इनपुट दे रहा हूँ, मैं कोई भी अपना गाना हम लगा देते हैं इसमें। तो एक स्पीकर मैंने इसके अंदर अटैच किया है, देखिए ध्यान से आप देख पाएंगे, एक स्पीकर मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है ऑलरेडी, ये एक स्पीकर है। तो मैं आपको इसको प्ले करके सुनाता हूँ किस तरीके से ये चलेगा। एक छोटा सा गाना हम इसके अंदर प्ले कर देते हैं, मैंने पावर ऑन नहीं किया। तो गाना हमने प्ले कर दिया है, इधर से वॉल्यूम खोलता हूँ मैं, देखिए ये वॉल्यूम है, ये बेस है, ये ट्रेबल है, ये देखिए। थोड़ा ध्यान से करना है बिकॉज सारा ओपन सर्किट है अभी, तो इसको हम किस तरीके से आगे यूटिलाइज कर पाएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सबको बताऊंगा, और आप लोग कनेक्टेड रहिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो हम इसको किस तरीके से आगे यूटिलाइज करेंगे। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर